एक्सपीरियंस जग रही है। कैसे पता तुझे? झाड़ पत्ते दिया। तू कौन सा बैठ क्या? बड़े मजे से बोलते हैं। मैं फूल लेके आई हूँ। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? तो भाई ट्रेन में एक अंकल हमसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने हमें ट्रेन से बाहर उतार दिया। तो हम नीचे उतरे हुए। मुझे जीरो तो मुझे हार्ट पेशेंट हुआ। और पढ़ने वाली का रिएक्शन नहीं आना चाहिए ट्रेन में। अगर देखिए लगी पड़ी है, इनको कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों से। और ये देखो कितना फ्रस्ट्रेट हो रही है। ये हो गई। अब ऐसी आएगी बंद कर। और वैसे भागती भी नहीं है। मुझे तो भीड़ लग रहा था, सब लोग देख रहे थे कि भागो भागो आगे भागो। पूर्णिमा अंदर आ जाओ, गलत बात है ये। आपको हमारा ध्यान रखना है पूरी ट्रिप पे। आप खुद यहाँ से जंप नहीं कर सकती हो। ये देखो अभी बाल बाल खुल कर आई। देखो क्या हुआ? क्या हुआ श्रद्धा दी? ये चादर वद्दर लेके क्यों उतरे हुए? ये देखो चादर लेके आ रहे। वो देखो अगर हम इस औरत के भरोसे रहते ना तो हम रह जाते। ये देखो इस हालत में हमें उतरना पड़ा ट्रेन से, जैसे कि जिन्होंने हमें टाइम पे नहीं उठाया और हम स्टेशन में आके खड़े हो गए। हाँ हमें बोलते सो जाओ उससे वो उठेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। लेट्स होप यहाँ से सब कुछ बहुत अमेजिंग रहेगा। और ये देखो आप नेहा दी बाल बांध रही हैं अपने, ठीक है बाद में मुझे एडिट करने के लिए बोल देंगे इसलिए बेटर मैं इनको स्किप कर दूँ। बहुत ही भाग दौड़ के हम पहुँचे हैं यहाँ पे, बट देन फाइनली पहुँच गए। और अभी हमारे ड्राइवर भाई साहब आने वाले हैं, उनके साथ फिर हम जाएंगे अपने रिजॉर्ट। क्योंकि हम जहाँ पे हो वहाँ पे ट्रेजेडी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो हम उतरे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और हमारे ड्राइवर पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब वो बोल रहा है मैं तो आ नहीं पाऊँगा तो तुम लोग आ जाओ। तो अब हमें पूरा रेलवे घूम के, मतलब पूरा स्टेशन घूम के जाना पड़ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग। अब इसकी गुड मॉर्निंग हो रही है। कर चुकी है ऑलरेडी, पास कर चुके हैं। मतलब हम हमारे रिसोर्ट में लगभग पहुंचने ही वाले हैं। अभी निकले हैं, एकदम हम निकले पहुंचने वाले। भैया कितनी देर लगेगी अभी? 13 मिनट। 20 मिनट टोटल था, 10 मिनट लगेंगे। तो मैं बिल्कुल करेक्ट थी, मेरा कैलकुलेशन एग्जैक्टली राइट होता है। आई बात समझ में? बात समझ आ रही थी, बात इग्नोर कर।
खाने को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, 5-star रेटिंग तो है ही नहीं। मैं वो कर सकती हूँ, मेरे को लगा यहाँ पे पूल होगा। ये 5-star है, कैन यू इमेजिन, इतनी गंदगी, इनकी लॉन प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। क्रिबिंग लेडी आपका नाम रखेंगे। दिस इज नॉट 5-star एट ऑल। हाँ ऊपर जरूर मुझे कॉटेज जैसा कुछ दिख रहा है, कृष्णा कॉटेज वाली फील भी ले। चलो बैठ जा, थोड़ा तो शर्म आएगा, गेस्ट खुद लेकर आ रही है, बहुत गंदा हो रहा है। मैं बैठ आपको दर्शन कराते हैं थोड़े से हमारे रिजॉर्ट के। ये तीनों देवियाँ डिस्कशन में लगी हैं कि ब्रेकफास्ट कब होगा। दिस इज द एंट्रेंस, देखिए ये है इनका डाइनिंग एरिया, और ऊपर राजस्थान की फील आ रही है थोड़ी सी। देखो दीपिका पादुकोण क्यों आई थी यहाँ पे? न्यू ईयर सेलिब्रेट। अच्छा, अरे पहले अंदर जाओ यार, इतने जजमेंट मत दो। नहीं शादी भी यही हुई थी मैडम, कैटरीना की शादी यही हुई थी, बट इस होटल में नहीं, दूसरे होटल में हुई थी। यार इतना एक्साइटमेंट दे दिया आपने, मैं खुश हो गई थी कि लो इसी सिटी के अंदर हुई थी। सो दिस इज द रिजॉर्ट जहां हम स्टे करने वाले हैं, और हम स्टे करने वाले हैं टेंट्स में। लेट्स सी, लिटरली नॉट टेंट्स। हां वो पर्दे वाले टेंट्स नहीं है, इनमें लकड़ियाँ लगी हुई हैं। वो खाने वाला का है? वो शायद गाड़ी में ही रख दिया। गाड़ी में रखा है आगे की तरफ। वो नहीं, बाहर ज्यादा ठंडी है। हाँ हाँ, कुचले नहीं जाएंगे हम। बहुत सही लग रहा है यार ये। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब खुश हो आप? अब आपके वो क्रिबिंग खत्म हो गई? 5-star ये क्रिबिंग वाले, ये दो लोग हैं। दो है, अब यू नीड टू डिसाइड कि किसको। मुझे सिर्फ फेस से ब्रश, दोनों है फेस एंड ब्रश दोनों है। फेस छोड़ रहा हूं। कॉम्ब है, ये होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जब आप ट्रिप पे आते हैं स्पेशली विद योर फ्रेंड्स, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत मस्ती करने का मौका मिलेगा, बहुत मजा करोगे। बट सी माई फ्रेंड्स व्हाट दे आर डूइंग, शी इज वर्किंग, ठीक है। एंड इनको देखिए, ये बहुत ही मजे से सो रही है। इसे देखेंगे, ये देखो ठीक है। और एक अब तीसरी वाली दिखाऊं, वो इधर तो दिख नहीं रही है मेरे को। देखो कैन यू स्पॉट हर, देखी ये देखो, पता नहीं कहाँ झाड़ियों में जा रही है ये, कहाँ जा रही है, किसी और के उस पर जा रही है भाई। हम दोनों अच्छे हैं, हमने नहा लिया है, वो दोनों ऐसे चूड़े बन के घूम रहे हैं। और ये लोग ट्रेन से आने के बाद भी नहीं ना, नहीं ना, सीरियसली यार इनके साथ चलते हुए भी हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है, अनइजीनेस फील हो रही है। क्या करें, दोस्त हैं तो करना झेलना पड़ेगा, साथ लेके आए हैं तो झेलना ही पड़ेगा। पूर्णिमा आप लोगों के बारे में कुछ बोल रही है, दोबारा बोलो। तुम दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे हम दोनों ने पर्सनल सर्वेंट रखे हुए हैं। दोबारा करना ये चीज, ऐसे लग रहे जैसे हमने पर्सनल। हम हो गए हैं तैयार और अब हम जा रहे हैं जंगल सफारी पे, और उसके बाद आई डोंट नो हम क्या करने वाले हैं। और फिलहाल तो हमें, मतलब मैं तो हो गई हूँ तैयार, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तैयार होने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, उनको मेकअप वेकअप थोपना होता है, तो आई एम वेटिंग फॉर देम। जैसे ही तैयार होते हैं सब चलते हैं फिर। श्रद्धा दी आप भी आ सकते हो आना चाहो तो। नहीं वो नहीं आना चाहती, उनको जरूरत नहीं है ना। अरे आप ही की तो उसने तो देखनी है, बताओ। वो अनसब्सक्राइब कर देगा अगर तूने मुझे ली नहीं तो। हाँ भाई, तो क्लब राइट नाउ जस्ट अनसब्सक्राइब इफ देयर आर लेस वीडियोस, लेस हां
लेस वीडियोस ऑफ योर्स, लेस वीडियोस ऑफ माइन. ओके, आप ये किसको हिंट दे रहे हो, हम तो पहचाने ही नहीं. समझने वाला समझ गए. किसने समझना था? जो देखेगा वो समझ जाएगा. पूर्णिमाती, आप तो एक ग्लैमर मिसिंग लग रहा है. कोई है ही नहीं देखने वाला. मयंक रघुवंशी हैज रिक्वेस्टेड टू फॉलो मी. हु इज ही? See, without, before if uploading, I am getting followers. To me, wow, right? Wow. See, if you want, you can give a roast to me. Why will I give roast to you? Bro, there are other people. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इनको एक रोज दे दीजिए. ये लड़कियों से रोज मांग रही हैं आजकल. मतलब क्या दिन आ गए इनके. प्लीज आई वॉन्ट यू टू गिव हर रोज. एक नहीं देना, बंस देना. एक्चुअली बंस देना इनको, ताकि ये तसल्ली से खुश हो जाए. रोजेस विद डिफरेंट कलर्स. ओके, डिमांड देख रहे हैं आप. मतलब शादी से पहले इतनी डिमांडें आ रही है, शादी के बाद तो क्या ही हाल करेगी बंदी आपका. देख लो, तो नालायक तो हम पैदा ही हुए थे आई गेस, है ना. तो हमने ये गलती कर दी है कि हमने अपना रूम ही लॉक नहीं किया. और एकदम से पूर्णिमाती को याद आया कि उनको हैट लेनी है. तो शी आस्क्ड मी कि रूम की कीज का है. आई वाज लाइक आई डोंट नो, आपने किया होगा. शी वाज लाइक मैंने तो नहीं किया. एंड देन वी रियलाइज कि हमने तो रूम लॉक नहीं किया है और कोई भी हमारा सामान आराम से ले जा सकता था. मैंने अभी खाई है बहुत ताज़ा ताज़ा डाट, क्योंकि मैं और पूर्णिमाती थोड़ा सा लेट हो गए थे. फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे. एंड अब हम अंदर जाएंगे और हम आए हैं इस व्हीकल से. दिस इज कॉल्ड कैंटर. ओके, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ. जाने वाले हैं और जोन है यहाँ पे अलग अलग. 10 ज़ोन्स हैं, हम लोग जोन नंबर 4 में टाइगर के दिखने की ज्यादा संभावना. हमें अंकल ने बताया, अंकल ने बताया कि जोन 4 में मिल सकते हैं. अंकल को फॉरेस्ट वालों ने बताया था. अच्छा, अंकल को फॉरेस्ट वालों ने बताया, अंकल ने हमें बताया. ठीक है, सो गाइस जस्ट वेट, एंड इफ अगर हमें टाइगर दिखा तो हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे. जस्ट वेट एंड चलते काउंटर में खड़े नहीं हुए. ये देखिए, क्या बोल रहे पूर्णिमाती, कुछ नहीं अच्छा है ये, है ना. ये देखो, हाथ का और आंख का कम लोगे, मुंह का ज्यादा लोगे तो आपको लॉस ही लॉस रहेगा. ये हमारे लिए तो नहीं बात. हां, तेरे लिए बोल रही है. जितना आप पीसफुल रहेंगे उतना आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है. यहां पे कहीं क्रोकोडाइल है, मुझे तो नहीं दिख रहा, बट ठीक है, होगा. बताइए कैसा लग रहा है आपको इतनी दूर तक आके, इतना तैयार होके और टाइगर से ना मिल पाया. थोड़ा सा डिमोटिवेटेड. इतनी एब्स आपने बनाई टाइगर के लिए, दिखाई नहीं पाई आप उसे. कभी किसी लड़के को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनाई, लेकिन शेर, टाइगर, चीता, चीता एनिमल्स के लिए काम किया जा रहा था, उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया. ये जो अंकल है ना, ये हमसे थोड़ी गुस्सा हो गए. क्या पता हमें मना करती करती वो बाहर आ जाए. नहीं मैडम, आपके चक्कर में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप बात कर करो. वैसे तो बात करना अलाउड ही नहीं, लेकिन लड़कियां चुप नहीं रहती, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत अलाउड कर दी. ऐसा भी अलाउड नहीं है कि आपको जंगल को गूंजे. आपकी आवाज़ का ज्यादा सुनने को मिले और दूसरे जानवरों की कम सुनने को मिले. देखिए वो दो जिक्सी में जो खड़ी है ना, उसमें से शायद आप एक आवाज भी नहीं आ रही. आप ही की आ रही है. मैं दुनिया के लेवल पे नहीं हूँ, मैं एक लेवल अप. आप इस दुनिया से ही नहीं बिलोंग करते हो, आप अलग ही दुनिया से आई हो. एलियन, ज़ॉम्बीज, ज़ॉम्बीज. और साथ में दिख रही हैं एब्स. नेहा दिखी, बहुत मेहनत की है लड़की ने. फाइनली वापस जा रहे हैं हम धूप वाले एरिया से थोड़े नॉर्मल एरिया में. भैया ये किसी रोलर कोस्टर राइड से वो नहीं है, कम नहीं है.
इट्स वेरी बैड. कभी ऊपर लेके जाते कभी नीचे लेके जाते, ऐसे ऐसे मूवमेंट चल रहे और ऊपर से इधर उधर से पूरा शेर के आने की संभावना, शेर की आने की संभावना तो छोड़ो, पेड़ पौधे इतने लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे कटे कटे से. मजा तो आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है. आए हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए. ये देखो दफने में लगी हुई है. हाँ बोलो क्या था आपने. So satisfied now after eating मैगी एंड चिप्स एंड पार्ले जी. आई डिड नॉट हैव पार्ले जी. जी फॉर जी माने सीधी पार्ले जी एंड चाय. जीनियस फ्रॉम जी माने व्हाट. क्या बोलना चाह रही है देख रहे हो कितनी शैतानी लड़की.